बढ़ने के साथ साथ अगर आपकी स्किन में काले दाग धब्बे बनने लगे हैं, स्किन में झाइयां पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो गई है या फिर स्किन में एजिंग साइन आना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुड़ियां, इस तरह की प्रॉब्लम स्किन में दिखाई देने लगी है या फिर स्किन काला पड़ गया है, स्किन में बहुत सारी टैनिंग हो गई है, दाग धब्बे आना स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा क्या लगाए जो जिससे इन सारी प्रॉब्लम से आप स्किन को छुटकारा मिल जाए। वेलकम टू रूपास फैशन वर्ल्ड। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ दही से एक फेशियल शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन से बढ़ती उम्र को रोक देगी। आपकी स्किन में अगर दाग धब्बे झाइयां पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम को दूर करेगी। अगर आपकी स्किन में कालापन आ गया है, स्किन में बहुत सारी दाग धब्बे है या फिर स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम है या फिर स्किन से ग्लो बिल्कुल गायब हो गई है, स्किन बिल्कुल रूखी सूखी मुरझाई बेजान हो गई है, तो इन सारे प्रॉब्लम को आज का ये जो फेशियल है ये दूर करने वाली है। आज जो मैं फेशियल आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है दही। दही हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। दही में नेचुरल लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे टैनिंग कालापन को दूर करती है, हमारे स्किन से झाइयां पिगमेंटेशन को भी कम करने में मदद करती है और हमारे स्किन को अंदर से निखारती है, स्किन टोन को इम्प्रूव करती है, अंदर से स्किन में ग्लो लेके आती है। तो चलिए देखते हैं दही में ऐसा क्या मिला के लगाने से इन सारे प्रॉब्लम सब छुटकारा पा सकते हैं और आपकी स्किन में आ सकती है पार्लर फेशियल जैसा ग्लो। दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच दही। मैंने यहाँ पर मेरे घर का दही लिया है, आप चाहे तो मार्केट वाला दही भी ले सकते हैं। दही हमारे स्किन को लाइटन ब्राइटन करती है, दाग धब्बे को दूर करती है, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो और शाइन लेके आती है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी शुगर। शुगर यहाँ पर एक स्क्रबर की तरह काम करेगा, हमारे स्किन में जितनी भी डेड स्किन सेल की लेयर है उसे रिमूव करने में मदद करेगा। शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे को कम करता है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चावल का आटा यानी राइस फ्लोर। राइस फ्लोर क्या करता है, हमारे स्किन को टाइट करता है, एजिंग साइन को दूर करती है, स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करती है, दाग धब्बे को दूर करता है और स्किन को यंग और जवान बना के रखते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच आटा। आटा जिसकी हम रोटी खाते हैं वही यहाँ पर लेना है। इसमें भी ढेर सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे जैसे कि सेहत के लिए अच्छा है वैसे ही हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस में भरपूर विटामिन सी होता है जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे को दूर करने में मदद करती है और आटा हमारे स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाने में मदद करती है, पोर्स को डीपली क्लीन करती है, पोर्स के अंदर जो गंदगी होती है उसे भी क्लीन करने में मदद करती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ विटामिन ई ऑयल। मैंने यहाँ पर लिया है ईवीऑन 400 विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल हमारे डैमेज सेल को रिपेयर करती है। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे झाइयां पिगमेंटेशन है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इसे भी ये कम करने में मदद करती है। अगर स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है या फिर एजिंग साइन आना स्टार्ट हो गई है तो उसे भी कम करने में मदद करती है। अब क्या करना है, इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मैंने यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, इसे सिर्फ लेमन जूस और दही के मदद से ही हमें मिक्स कर लेना है। कुछ देर बाद मिक्स करने के बाद आप देखेंगे चीनी की जो दाने हैं वो थोड़ा पिघल जाएंगे और एक स्मूथ सा क्रीमी सा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। और आज की जो रेमेडी है ये लड़का लड़की टीनेजर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी स्किन टाइप के हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सारी की सारी नेचुरल चीजें हैं, खाने की चीजें हैं जो कि हमारे स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती है और आप देख सकते हैं बिल्कुल एक फ्लफी सा स्मूथ सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन गया है। चलिए अब देखते हैं इस रेमेडी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले फेस को अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया है। मेरे फेस में काफी सारा मेकअप था जिसकी वजह से मैंने मेरे फेस को अच्छी तरह से फेस वॉश से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं करूंगी क्लेंजिंग। क्लेंजिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है दही, सिर्फ दही मैंने लिया है। दही बहुत ही अच्छा क्लेंजर का काम करता है, ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, ग्लोइंग करने में मदद करता है। दही आपकी स्किन से दाग धब्बे और टैनिंग को भी रिमूव करती है। इस तरह से दही की मदद से 2 से 3 मिनट तक अपने स्किन को अच्छी तरह से मसाज देना है। उसके बाद एक गीले टॉवल से इसे रिमूव करना है, पानी से धुलना नहीं है, बस गीले टॉवल से आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लेंस कर लीजिए।
फेस को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद हमने जो फेस मास्क बनाया था उसे अपने फुल फेस पे अप्लाई करना है। मैं मेरे फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो अपने फेस, हैंड और बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे हाथ पैर भी बिल्कुल बेजान हो जाता है, या फिर कालापन आ जाता है, या फिर हमारे बॉडी में भी बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता है, तब आप इसे अपने फेस, हैंड एंड बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेशियल आप हफ्ते में एक या दो बार कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन में जितने भी डार्क स्पॉट है उसे रिमूव करेगा और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगा। सबसे पहले आपको अपने फेस में इस तरह से इसे अप्लाई करना है, उसके बाद कम से कम 7 से 10 मिनट तक इसे देके आपको अपनी स्किन में मसाज करना है। मसाज करने से क्या होता है, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, स्किन में ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसकी वजह से स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। जैसे कि हम पार्लर जाते हैं, फेशियल करते हैं, तभी आप देखते हैं स्किन में मसाज दिया जाता है ताकि स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आ सके। वहां पर मसाज करने के लिए हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज मैंने जो क्रीम आपके साथ शेयर किया है वो 100% नेचुरल है, स्किन के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लींस करती है, स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ, सबल बनाती है और स्किन में लेके आती है पार्लर फेशियल जैसा ग्लो। स्किन को अच्छी तरह से मसाज देने के बाद इसे आपको छोड़ देना है, अपने स्किन में 10 से 15 मिनट तक इसे छोड़ देना है ताकि ये जो रेमेडी है आपके स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर सके और ये आपके स्किन को टाइटन भी करेगा और लाइटन ब्राइटन भी करेगा। तो 15 मिनट मैंने मेरे स्किन में इसे छोड़ दिया था और देख सकते हैं 15 मिनट के बाद ये इस तरह से कुछ सूख जाएगा। उसके बाद एक गीले टॉवल की मदद से मैं रिमूव करके दिखा रही हूँ इस मास्क को और आप देख सकते हैं स्किन में कितना ग्लो आ गया है, स्किन एकदम डीपली क्लीन हो गई है। ये आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, हफ्ते भर की जो टैनिंग है वो एक दिन में रिमूव कर देगा, आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन, ग्लोइंग और ब्राइट बनाएगा। तो अच्छी तरह से इस फेस मास्क को मैंने रिमूव कर लिया है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को क्लीन कर लेना है और फेस को क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं फेस कितना क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग एंड ब्राइट हो गई है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ, सबल बनाएगा, कालेपन को दूर करेगा, एजिंग साइन को दूर करेगा और स्किन में चमक लेके आएगा, एकदम पार्लर फेशियल जैसा ग्लो लेके आएगा। ना दोस्तों, कितनी आसानी से आप दही को इस्तेमाल करके अपनी स्किन से ये सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, अपनी स्किन को और यंग, यूथफुल, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, रेमेडी को जरूर ट्राई करना, कैसा रिजल्ट मिला है जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।